मेरे साथ फरिंदा सीयू है, कल रात में सराफा व्यापारी से बिजमानगंज में लूट घटना को अंजाम दिया गया था। मेरे साथ फरिंदा सीयू है, हम उनसे बात करते हैं क्या मामला था और किस आरोपियों को गिरफ्तार करके क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या घटना घटी थी और क्या मामला था पूरा। ये थाना ब्रजमानगंज क्षेत्र के अंतर्गत जो है लहणा देवी मंदिर के पास क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन लहणा के पास एक ज्वेलर्स की दुकान है। तीन बदमाश मोटरसाइकिल से वहाँ आए और उन्होंने जो है अंदर दुकानदार को तमंचा सटाकर लूटपाट का प्रयास किया। दुकानदार के शोर मचाने पर कुछ वहाँ के जो साहसी नागरिक थे उन्होंने बदमाशों को घेर लिया, पुलिस को सूचना दी। थाना अध्यक्ष ब्रजमानगंज ने तत्काल पहुंचकर उन तीनों को अपने कब्जे में ले लिया। ये इसमें रोहित यादव है जो लहणा क्षेत्र का रहने वाला, परंतु दिल्ली में रह के ही अपराध करता है, सातर अपराधी है। इसमें दिल्ली में लूट के कई मुकदमे हैं और दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश भी थी। अनमोल सिंह भी ये दिल्ली का बदमाश है और ये पीपीगंज गोरखपुर का भी इनके साथ एक बदमाश जो है शामिल है। ये लोग फरिंदा में होटल में रुके थे और यहीं से घटनाओं का अंजाम दे रहे थे। इनके पास जो गाड़ी मिली है लूट में प्रयोग हुई है वो भी चोरी की है। इन्होंने कई घटनाओं का अंजाम दिया है, इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अंतर्राज्यीय अपराधी हैं, अच्छे अपराधी हैं और इसमें जिन ग्रामीणों ने साहस दिखाया उनको पुलिस सम्मानित करेगी और ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है और इससे क्षेत्र की जो तमाम गोरखपुर और महाराजगंज की कई घटनाओं का खुलासा भी होगा। राहुल पांडे अपने सहयोगी जय सिंह के साथ।